आज तो गया फूल दे रहा हूँ। इकरा को नहीं छोड़ सकता। हाथ छोड़ो छोड़ो, आज तुम दोनों को पकड़ के अब्बू का हाथों सौंपो। इकरा को रिहान फूल भी दे रहा था साथ में, मेरे दिखाओ। ओ इकरा, अस्सलामुअलैकुम गाइस, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। नीचे तो अभी नीचे इसलिए आया था और अभी बिल्कुल लास्ट सोकर डाउन थोड़ा हो चुका हूँ मैं लेट उठने में, और हमारे भाई आ रहे हैं यहाँ से कुछ शहीद नगर से। अस्सलामुअलैकुम भाई। और भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो हुई है भाई ने, बहुत सारी दिक्कत बता दी। औरतों का त्योहार है तो भाई कह रहे भाई वहाँ फंस गए थे। कितनी देर में निकले वहाँ से? दो भाई, दो ढाई घंटों में औरतों का त्योहार में से निकले थे। बट कोई बात नहीं भाई, से बहुत अच्छा लगा मिलकर। भाई की आ चुके रामू एंड शामू और ये काम पे लग चुके हैं भाई। जो मैंने पोको पेंट का काम होता है ना, इतना अच्छा बिजनेस चला, अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता देना, मैंने दिलवा दूंगा आपको। आ चुके हमारी चाय और अमेरी वाली फीलिंग लेकर, केतली लेकर और ये बिरयानी। बिरयानी में बताता हूँ, मेरा दोस्त देखा गया था, इसके घर पर कल देख बनी थी तो अम्मी इसलिए हैवी रास्ता करा रही है, मैं भाई होटल से मंगा देती। अच्छा आज ऐसी मुखबरी लाया तुम्हारा भाई, बिल्कुल ताजा खबर है, आपका दिल सुनकर ही बाग बाग हो जाएगा। मुखबरी ये है, मैंने रिहान का कल फोन चला रहा था, रिहान तो सो चुका था, तुम्हारा भाई ब्लॉग एडिट कर रहा था, मैंने उसका ऐसे चलाने लगा, मैंने जैसे भाई सब लोग खुला राखी चैट से मिल गई मुझे, हद से ज्यादा उनने क्या क्या बातें कर रखी थी, समझ रहे हो। और आज ऐसी चीज है, अनाज गिरा से मिलने जाने वाला है, मैंने सारी चैट पढ़ ली थी, कम से कम 2 या 3 बजे का टाइम दिया था, वो तो तुम्हारा भाई टेंशन हो, जैसे ही तैयार होगा जब इसको ऊपर मैं पीछे करने लगूंगा भाई, इकरा मेरा हाथ लग जाए, इकरा से पूछूंगा तुम इससे क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ये ऐसे 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 सारी बातें जो भी होगी सीन सब आज पता लग जाएगी, बस छापा पड़ने चाहिए। छापे वाली वीडियो में बहुत मेहनत लगेगी और बहुत रिस्क लेके जाऊंगा, तो भाई बहुत सारा प्यार देना। और अभी हमने नाश्ता करके पेट हो चुका है, यहाँ तक आज यहाँ नहीं पता हो रहा है तो क्या हो रहा है, पूरे में कोहरा ही कोहरा हुआ पड़ा सुबह से, अब तो भाई 1 बज रहा है, 11 बजे उठा था ना, पूरे में अंदर धुंध कोहरा ही कोहरा था। चाहे हमारे एक भाई क्रीम लेना है गाइस, क्रीम का स्टॉक पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, हमारा भाई आने वाली है यार, पता नहीं क्या हो रहा है, क्रीम वाला यार इतनी दिल लग रहा है, अब की बार इतना स्टॉक आगा ना, हद से ज्यादा स्टॉक आगा, जितनी मर्जी ले सके, और हमारे पास 500 वाली भी क्रीम हो जाएगी अब अवेलेबल। हमारी क्रीम का स्टॉक भाई सिर्फ 2 या 3 दिन में आने वाला है, आप जब आए ना, और भाई आए थे कृष्णनगर से इतनी दूर से, भाई ने दूसरा राउंड मारा बट हमारी क्रीम ही अवेलेबल नहीं हुई, कोई बात नहीं भाई आपको मंगाएंगे क्रीम ऐसी न जाने कैसी, आज अम्मी बना रही है हमारी कुछ स्पेशलिटीज, वो बाद में पता लगेगी। चलो जल्दी चलो, क्या हो गया क्या हो गया, हुआ क्या है, मेरे बाल बढ़ गए, मेरे बाल बढ़ गए, कुछ भी मेंटल हो गया कि हम पागल नहीं है भैया। अबे यार बाल कटवाने समझते नहीं, अबे हमारी कल्लो का है पर कल्लो ये अब्बू गायब करके ले चुके, पता नहीं अब्बू कहाँ ले गए हमारी कल्लो को, चलते कोई बात नहीं कटिंग कराने, और आज रिहान पे मारते हैं फिर छापा। अगर 3 भी आने वाली है, 12 तारीख को रिलीज होगी तो फर्स्ट डे देखेंगे। कितने 10 को रिलीज हो रही है, लेकिन पहला शो जो होगा वो 12 का होगा। हाँ तो फिर हम वही तो कह रहे हैं, कोई बात नहीं भाई 12 को हमें जरूर देखने, टाइगर 3 बहुत एक्साइटेड है, सल्लू आएगा कोई बोल सकता है क्या, ये कल्लो भी मिल चुका था अब दोस्त के अपने शॉप पर खड़े हैं, लाओ कल्लो दो। तो यहाँ पर इंडिकेटर अब्बू ने कहाँ टांग रखा है, अभी टूट गया था, अब बदलवा के लाए। आज हमारी न्यू तरीका है एंट्री लेने का, तो आज कर दो कटिंग ऐसी ना जाने कैसी, और जो मेरे लॉकेट की चेन थी ना वाली तो ओरिजिनल वाली काली हो गई, मेरा लॉकेट ही बचा है नाम का, मेरी सिस्टर की आई है सासू मोम, तो इसलिए आपको करना है कटिंग ऐसी जो बढ़िया लगे, ना जाने कैसी बाहर सीख चुका भाई, मेरे साथ रहेगा। फुर्सत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, वाला गाना सुन ले तो मुझे अम्मू जी की याद आने लगी है भाई, इमोशनल कर रहे हैं मुझे। तो गाइस फाइनली हो चुकी है कटिंग, 1 नंबर हुई, अब चलते हैं फटाफट से घर पर, नहा धोकर रेडी पेडी होते, अभी नहा रहा शाम को ना हुआ प्लीज, क्या रहा था भाई, भाई मिले थे, भाई पर फोन नहीं है, फोटोज में से ले लेना, ले लोगे स्क्रीनशॉट ले लेना। रियान और यार और रियान खाना चिक कर रहा, कहां गया है, अभी गांव नहीं चुक, तैयार होके 1 बजे तो सो के उठे गया, मानदरी बताना अम्मी, अभी गा कह रही ना थोड़ी देर बैठा, अभी गया 1 बजे नेस्ट उठा, नहा धोकर गया पक्की। जैसे मैंने आपको बताया था सुबह, मैंने अम्मी को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अम्मी और अब्बू, अम्मी अब्बू को बताते तो फिर रियान की बहुत ही कुटाई लगती, तो इसलिए मैं चलता हूँ फटाफट से, कोई हैवी में से अकेले जाना पड़ेगा, आज रियान के ऊपर छापा ही मार के आएंगे। तो बस भाई इकरा भी गई, आज इकरा को भी पकड़ लूंगा, आज भागता चले यार, पिज्जा डाइट की साइड अब दे नहीं पता मुझे कौन सा पिज्जा वाले में गया, इस बात का डर रहा ये भाई भाग ना जावे, वो देख के कहीं इकरा के साथ कभी गायब हो जाए पहले की तरह। मार्केट में औरतों का तो यार वैसे पूरे में जाम लगा पड़ा है, वैसे जल्दी हो रही और यहाँ पर जाम फाम लगा पड़ा है और देर हो जाएगी यार, भागा गाड़ी भगाओ। मैंने 2 पिज्जा डाइट तो ढूंढ के आ चुका हूँ, वहाँ पर तो मिला नहीं और मुझे 3रा पिज्जा डाइट में मिल चुका है, देखो यहाँ पर ये खड़ी हमारी बुलेट, और बुलेट लेके गया क्योंकि अब वो कल्लो चलाते हैं ना ज्यादातर, बहुत शातिर लड़का होता है यार। हाँ तो गया हूँ ऊपर की साइड जा रहा हूँ, नीचे तो देखो कुछ मुझे दिखाने, और वो मिल गया देखो मुझे फाइनली रिहान दिख, ओ वो रहा, और करके ओ फूल दे रहा, ओ भाई आज तो गया फूल दे रहा है, इस पर छापा पड़ेगा 1 और ये 2 ये 3 भाई साहब, आज ये रिहान गया मेरे हाथों से, आज तो बस वीडियो आ गई सबूत के तौर पर, आहा 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 हाथ लग गए।
छोड़ो छोड़ो आ जाओ बस आज आ जाओ। इकरा जी आप तो गई आज, बस पकड़ लिया आज रंग हाथों मैंने। सुबह से बताऊं तुझे, मुझे पता कैसे लगे तू पिज्जा डाइट पे ला रहा है। कल तेरी मैंने चैट पढ़ ली थी सारी। चलो बस बुको कॉल करता हूँ अभी, तुम्हारे मुंह मत छुपा, मुंह आ गया। असली है ये लोंडा, भेगा कर लाइए इकरा, भेगा कर लाइए। इकरा तो गई आज, इकरा व्लॉग बन गया। तेरी थी पिज्जा खिलाऊंगा, आ जाओ मैं। अच्छा पिज्जा खिलाएगी तो आ गया, तू के भी चले आएगा। लो आए देख लो कितना नेक खराब इंसान है। फेस दिखाओ ओ इकरा। ओ ओ ओ एटीट्यूड देखो, एटीट्यूड मतलब आज फंस भी गई, एटीट्यूड भी मैं देखो। आज तो तू गया बस, अब बता तेरा भेका कर लाइए। क्या लगाया पिज्जा खा खाने में? खिला रहा हूं अभी अम्मी को, बता दो। मैं अब्बू को बताऊं? नहीं बता दूं। पिज्जा खा के चल आज पेड़ा नहीं, आज तो तू कुत्ते की तरह पिटेगा अब्बू से। गाइस ये देखो इकरा को रिहान फूल भी दे रहा था साथ में, मैंने पकड़ लिया। वाह गुलाब का फूल ले लाओगे ना, पिज्जा नहीं खिलाऊंगी। अच्छा अच्छा मतलब 20 रुपए का मारे तूने, अच्छा पिज्जा 100-200 रुपए वाले पिज्जा खाएगा? वाह देख लो गाइस। इकरा तुम बताओ उसके साथ क्यों रहती हो? इकरा बोलो, इकरा मुझे एटीट्यूड दिखा रही है बस। तूने आज तुमने गई और ये दोनों गए, तुम दोनों को पकड़ के अब्बू के हाथों सौंपूंगा, फिर देखना तुम्हारा क्या होगा। गई तुम आज गए कहा रहा खा रहा नहीं जानता, जल्दी आ जा बैठ। मैं नहीं आऊँ मैं तो भाई, आज तुम दोनों हाथ रंगो हाथ लग गया, तुम्हारी बैंड बजी। फेस दिखाओ, इकरा का फेस रिवील नहीं कर रहा हूँ। हम यार इसकी बेचारी फेमस आएगी पूरी दुनिया में, कर दो आपका फेस रिवील में। इकरा मना कर रही है, नहीं सच बता रहा, उसका फेस रिवील कर देता। हाथ मत जोड़ के दिखाओ मेरे साथ, तुमने ऐसा काम क्यों करा? अब हंस रही है? नहीं हंस रही है, रो रही है, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। इसे समझा ले करा, रेती कहाँ इकरा? इसका घर बता, मैं इसके घर पे जाऊंगा। इकरा क्या घर बताओ, मुझे अपना घर बताओ जल्दी से बताओ। टच मत करो, अच्छा नहीं लगता। टच नहीं कर, अभी टच करूं है? अभी टच करने के रहा इसका, मैं एक तो ऐसा बचा रहा हूँ और ये यहाँ पर टच करने के रहा। देखो ये बच्चा अच्छे हैं, बता रिहान को आज मैंने रंगो हाथों पकड़ लिया, गर्लफ्रेंड के साथ आया है। इसको सुन अम्मी और अब्बू को मत बताइयो, पहले कह रहा हूँ मैं, तुम गेम खेलो बच्चों। हमारे सब्सक्राइबर है ना, मैं नीचे से देखता हूँ किस लड़की के साथ है, पूरी दुनिया में हमारा नाम खराब कर रखा है। इकरा के साथ घूमते घूमते तो शर्म नहीं आती एक पैसे की? नहीं ये 20 रुपए का फूल लेकर पता क्या कह रहा है जल्दी। अब्बू को मत बताइयो, अम्मी को मत बताइयो। देख मैं तो अब्बू को बताऊंगा भाई, ये इन्हें तीसरी बार पकड़ा है इकरा से ब्रेकअप। ने सुन तीसरी बार देखा मैंने कभी, तू ब्रेकअप फ्रेकअप के नहीं, मैं तो क्यों उस साइड में लाके कह रहा हूँ इकरा के सामने, बेइज्जती मत कर, मार मत। मैंने मार क्यों नहीं, तू काम क्यों ऐसा करता है भाई? लड़ रहा है इतना छोटा हो गया, हम तो कुछ करते नहीं, हम इतने सारे बच्चे हैं। ये सारे काम ये कर रहा है, बताओ क्यों नहीं है? सॉरी मांगेगा कह दूं बता अम्मी से? नहीं करेगा तो नहीं, आज का रिश्ता खत्म कर दे रिश्ता। देख 36 आएंगी 36 जाएंगी तेरी वाली अम्मी लाएंगी। हाँ भाई ये समझ ले, मेरा भाई सोसा नहीं था यार, मैं इतना बिगड़ के निकल गया। बिगड़ेगा तो निकल गया भाई, भाई हाथ से निकल गया हमारे देख लो। और ये इकरा के साथ अब भी बात ही करे यार, बस मैं यार क्या कहूँ, इन्होंने पता नहीं क्या ऑर्डर दे रखा है। अब तुम मत बताना, तुम्हें तो बहुत मारा अगर तुमने, अरे तुम मत बताना भाई, तुम्हारी कुदाई लगा देता ये इतलिया। हेलो ये तो ओए बच्चे तेरे लिए खुश हो रहे हैं पिटवाने के लिए, कह रहा हूँ मारेगा तुम्हें, तुम चले आओ जल्दी चले आओ। बहुत मजा आ रहा है इकरा के साथ, मुझे इकरा पे इतना गुस्सा आ रहा है, इकरा तुम्हारे बात बिगाड़ सकता हूँ बट मैं क्या करूँ, मेरी थोड़ी ना लगती है कुछ ही हो। मैं भाई से पिज्जा ले लिया यहाँ पर, ओए होए भाई पूरा पिज्जा भी देखो बढ़िया वाला खा रहा है। अब तुझे पैसे कितने दिए इतना बढ़िया वाले खाने का? मेरी सकल है पनीर वाला, कपड़े लेकर कपड़ों से पैसे लेकर। देखो अब्बू बस अब तो तू गया तो तू गया, अब्बू ये तो कहते हैं तू पैसे इतने आते लाओ, कपड़े इतने बुरे लाता, ये महंगे वालों का बजट कैसा है? इतने महंगे कपड़े लाते इतने में, अब तो तू गया बस। और देखो यहाँ पर पिज्जे की डेट और कर रहा है, बिल फिल हट यहाँ से फेंकना, अब मैं तो यही खाने नहीं दूंगा, भूख लग रही है। अब तो गए भाई इसे कराऊंगा मैं पैक, लो भाई देखो भाई ना पैक कर दो इसे, ले आऊँ मैं घर पर। रात तो रियान बाबा अम्मी से इतना कुटावा चढ़वाऊंगा उसकी, देखना हाथ कितना पिटवाऊंगा। देखो मैं पिज्जा पैक करा रहा था, इनने मुझसे छीन लिया, यूं करा इकरा ने पैसे दिए तो इकरा को, मैंने यार इनने पैसे दिए तो कोई बात नहीं इसे खिला ही देता हूँ, ये खाऊं मैं, तुझे तो मेरा साथ चलना है भाई, इनो की आखिरी डेट है तुम्हारी, लास्ट डेट है। इकरा तुम तो गए आज अब्बू के साथ, फिर क्या रहा? अब तो तू गया अम्मी को पिज्जा गिर गया सारा इसके अंदर। देख लो भाई क्या करा, मैं इकरा को नहीं छोड़ सकता। कुछ भी हो जाए मैं तो तेरी अम्मी से शिकायत कर दूंगा, जहाँ से एक आई है सबके घर में। तेरी बात नहीं तो एक मेरी मैं नहीं मेरी मैं करता ही नहीं ऐसे, तू मेरी बात के मत के, बस मैं अम्मी से कहूँ अब तू घर जा। इकरा जी देखिए आप घर जाइए यहाँ से, अब हमारे पास मत आइए, जहाँ से आए वहाँ जाए। मम्मी तुम कहाँ जा रही हो, तुमने कपड़े प्रेस करके? आज सब हम निकल रहे हैं। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, जब भाग कर गया था रिहान का नाम पूछते ही बताऊँ, रिहान को आज पकड़ा गया इकरा के साथ, आज पिज्जा डाइट पर डेट कर रहा था। सस्ती बताओ किसने खिलाया? इकरा ने, वो भी इसलिए। हाँ थोड़े बहुत पैसे हमें भी दे। अरे तुम अब उसका क्या करना है, अब्बू को बताओगी? नहीं फिर अब्बू अब बस मोबाइल गया। आज सुनो, आज अब्बू को बुलाओ और उसकी पिटाई लगाओ। तुम कहाँ चली तैयारी होकर? सब जा रहे हैं आज, नौ पता नहीं है कहाँ पर जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं आज रिहान की पिटाई जरूर लगेगी। अभी हमें रिहान को बुला रही है क्योंकि अभी सिस्टर की सासू मोह में ना बाहर खड़ी है, तो इसलिए ज्यादा हम करते नहीं। हाँ ये भी सही, कभी नौ के सामने भेज देते ज्यादा।
चलिए तुम दावत में यार, हमें तो इतने तैयार हो गए, मैं भी तो देखना मैं तो भी सही हूँ यार। हमें यार दावत में भी जाना है, अभी हम सब जा रहे हैं दावत में, सब पहुंच चुके हैं, सिर्फ मैं ही रह चुका हूँ और अभी सिस्टर भी रह चुकी है, सब वहाँ पर पहले पहुंच गए। फाइनली सिस्टर भी हो चुकी है रेडी, सिस्टर तुम भी चली? हाँ चली। ऐसा लग रहा है जैसे शादी में जा रही हो किसी की। ये वाला सूट मेरी उन्होंने गिफ्ट करा था सासू मां ने, सासू मां ने वाले कपड़े दिए थे सिस्टर ने, आज वही वाले पहने उनके सामने इम्प्रेस करने के लिए। तो भाई फटाफट से बताओ मैं रेडी, तो देखो यार भाई जब आई थी अम्मी से मिलना सिस्टर से मिलना, बट अम्मी और सब सिस्टर चले गए दावत में, बट अब नहीं मिल पाई हमारे लिए, पता नहीं क्या लेकर आई इतना सारा सामान। आप बताओ पहले क्यों लेकर आए आप? देखो एक तो मेरा बेटा नहीं है जी, ऊपर से मैंने जब हनुमान का 6 महीने पहले फर्स्ट व्लॉग देखा था कलियर शरीफ का, जी जी हाँ, जब मैंने यही कहा था कि हनुमान अगर मेरा भी बेटा होता तो हनुमान जीतता होता। तो इसलिए आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हो, देखो अच्छे नहीं लगता आप लाइयो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बेटे, बट चलो अब तो ले लेते, अब मत लाना अभी कभी भी, नहीं फिर मैं मिलूंगा नहीं, फिर मैं तुमसे मिलूंगा नहीं अगर सामान लाओगे तो, अगर सामान नहीं लाओ डन है ना। चलिए सही है, अभी ऊपर चल के देखते हैं मैं क्या, बट अम्मी से नेक्स्ट टाइम मिलेंगे है ना। और बहुत अच्छा लगा आपसे, कहाँ से हो गए साहब? अजमेर, राजस्थान। अजमेर से आप? रियली? अरे भाई चलिए बढ़िया, ऐसी सपोर्ट करते रहो, ऐसी प्यार करते रहो। सन साइड और हमारे लाई है गिफ्ट, एक बार देखते हैं गिफ्ट में है क्या क्या। ओए होए ओ लो भाई ये तो चॉकलेट निकल गया है, किंडर इसके अंदर, तुम्हें पता है क्या लगा इसके अंदर, पेटीज ओए होए दिल वाली है, ये भी काफी अच्छी है। लो यहाँ पर एक और चीज और बढ़िया है, ये देखो हमें एक जगह गई है इसके अंदर, ये नमकीन वमकीन आ चुके हैं, कितना बढ़िया लग रहा है, चलो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और आई आई थी राजस्थान से बहुत दूर से, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। ये फाइनली हो चुका तुम्हारा भाई रेडी। तो भाई आज का हमारा मेरा आउटफिट कुछ ये है, ब्लैक पैंट वैसे इसके ऊपर व्हाइट पैंट था, बट मैं सोचो ब्लैक लगाता हूँ, ये भी काफी बढ़िया लगा और सब चलेगा। तो मैं अकेला घर में बचाऊ, फटाफट से चलते हैं। मैं कल वाली पन्नी लाया था, उसमें मम्मी ने सारा सामान लोडेड कर दिया, और ये देखो पन्नी कितनी बढ़िया थी, बहुत ही सामान था, और 5-6-7 पन्नी में आ चुका है फिट, और इतना अच्छी खुशबू आ रही है ना, इतना लगा रखा। और अभी एक आंटी आई थी, वो भी हमारी क्रीम लेना आई थी, बच्चा है तो वो भी क्रीम लेना, बट क्रीम ही खत्म हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, मैं एक दो दिन के अंदर क्रीम फाइनली आएंगी। यहाँ पर लाइट देखो कितनी प्यारी लग रही है, बुलेट ले लिया फटाफट चलते हैं, बस अब्बू और आ रहे हैं। तो आ चुके हैं फाइनली दावत में, शादी फादी में नहीं थी, घर में थी दावत। तो यहाँ पर आदि अम्मी ने करा पहले नाश्ता हमने, और अम्मी तुम तो आज खाना खाना तो नहीं खाया, थोड़ा सबर करा हमारा, तुम्हारी सब खराब रही थी, वो क्रीम भी लेना थी, क्रीम अवेलेबल नहीं, क्रीम अवेलेबल करा, क्रीम वाले इतने कस्टमर आ रहे हैं मगर क्रीम खत्म हो चुकी है। खाना तुमने खाया ही नहीं, कपड़े पहन कर आई हो, यहाँ पर आके लेट चुके हो, अम्मी बना रही है बिरयानी, देख लो भाई दावत में ही हो, दावत में बिरयानी बनानी पड़ रही है भाई, मैं सही जाऊँ क्योंकि अम्मी के हाथ का ना मजा ही अलग है, इसलिए बस 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 अम्मी सारी मेहनत तुम ही कर लो, ये सचा था तुम सुबह आ जाती हम बनाने बिरयानी, वो तो मुझे भी पता, मतलब पूरी बिरयानी बनानी पड़ेगी, तो सुनो सुनो एक काम करना चटपटी बना देना, इसमें क्या इसमें तो खाना है और बिरयानी बनाओ तुम बड़े, और टमाटर की चटनी जरूर करना, क्या कह रहा हूँ दही की नहीं टमाटर की चटनी, क्या कहता मैं छत पे नीचे हो रहा था मैं बहुत बोर, यहाँ देखो भाई छत से कितना भी कोहरा कोहरा हो रहा है, अभी पता नहीं कोहरा है या पोल्यूशन है, दिन में इतना रहता है और रात में भी अब अनलिमिटेड हो जाएगा, ठंड मुझे लग रहा है आने लगी है धीरे धीरे, पर छत से व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है, हवा चल रही है बिल्कुल कूल कूल, पर फर्श पे इतनी मट्टी हो रही है ना पूरे में, देखो मुझे पूरे मेकअप हो चुका है नीचे से, अब यहाँ से यू छुटा के ऐसे मेकअप कर लो, अरे वाह क्या टेक्निक है भाई। आ चुकी है हमारी यहाँ पर बिरयानी, मैंने पहले बिरयानी पर लगा लिया है चटनी, और सेकंड आ चुका है हमारा है बकरे का गोश्त, और अब्बू भी यहाँ पर सब खाना खा रहे हैं, मुझे भी बहुत तेज की भूख लग रही है, खाना खा लिया और यहाँ पर हमें बच्चों मिला, क्या कह रहा था अरमान भाई, अरमान भाई एक नंबर भाई, सब आके बच्चे यूं ही कहने लगे थे, एक बार तुम भी तो कह के दिखाओ, अरे मेरा बच्चा यहाँ पर बैठा है, इतना खिलाया नहीं है किसी ने, मैंने से खाना रख के चला चुका था, और खाने ने थोड़ा बहुत खा लिया, थोड़ा बहुत ऐसी बच चुका, अब सिस्टर के हाथ से खुद ही खाएगा, देखो उसका खेलने का मूड हो रहा है ना, देखो मेरे आगे पीछे ऐसे घूमता रहेगा, अरे देखो आज ये मेरे पूरे कपड़े पहन चुका था, मेरी पैंट पहन ली है, इनने मेरी शर्ट पहन ली, उस पर कपड़े नहीं है, उस पर मेरे पहनते रहता डेली भाई, डेली कभी कोई शर्ट चुरा लेता, बता के नहीं पहनते क्योंकि पता बता के पहनेगा तो मैं इससे कपड़े उतरवा लूंगा। मैं और यहाँ आ चुका था घर पर, अम्मी और अभी सिस्टर पीछे सब वही है, वो अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, आराम से बैठी है, फटाफट से बोल देता कमेंट, फर्स्ट कमेंट है मोहम्मद के फरमान भाई, ये एक ऐसा नाम है जो इतनी छोटी उम्र में पूरा माहौल बना रखा है, अल्लाह पाक तुम्हें और तरक्की दे, आमीन। लवली करा अरमान, आपकी व्लॉग देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, अरे शुक्रिया। उमेर शेख, मुस्तफा से लेकर सिलमपुर तक हर जगह चलता ट्रेंड है अपना अरमान भाई का नाम, नहीं वो है खुद एक ब्रांड है, ब्रांड ब्रांड है ब्रांड। तो आपका लाइक करना, बाय बाय।